अनन्या अपने दरवाजे के बाहर खड़ी कान पे फोन लगाए किसी से बात कर रही थी तो सामने उसे हर्ष दिखा। हर्ष याद होगा आपको, अनन्या का नेबर, जिसकी बर्थडे पार्टी में ही अखिल और अनन्या की पहली मुलाकात हुई थी। हर्ष ने अनन्या को हाई किया। अनन्या फोन पे थी तो उसने केवल हाथ दिखाकर और आईब्रोज को ऊपर करके हर्ष को ग्रीट किया। वो वेट कर रहा था कि अनन्या की बातें कब खत्म होंगी। अनन्या ने उसे इशारा किया, बस 5 मिनट, और हर्ष वो 5 मिनट काटने के लिए अपना इंस्टा स्क्रॉल करने लगा। उसने अनन्या की स्टोरी देखी, 1 आवर अगो अखिल के साथ सेल्फी पोस्ट की हुई थी। नेक्स्ट स्टोरी में भी अखिल था और उसकी नेक्स्ट स्टोरी में भी अखिल। अनन्या ने बाय बोलकर फोन कट किया और हर्ष से कहा, हाँ बता क्या हुआ, कुछ कहना था तुझे मुझसे? हर्ष ने फोन लॉक किया और बोला, नहीं ऐसे ही, मैं सोच रहा था बड़े दिन हो गए हमें साथ में कॉफी पे गए, आज चले कॉफी पी के आते हैं। अनन्या ने बोला, ओके चलते हैं। फिर वो दोनों कैफे पहुंच गए, बैठे और इधर उधर की बातें करने लगे। तभी अनन्या का फोन बजा। हर्ष ने कहा, यार तुझे कितने फोन आते हैं? अनन्या ने फोन देखा तो अखिल का कॉल आ रहा था। उसने बोला, अरे अखिल का फोन है, उसकी वॉच मेरे पास रह गई है इसीलिए कर रहा होगा। उसने फोन पिक किया। वहां से अखिल ने बोला, हेलो अनन्या, कहां पर हो, अभी मिल सकती हो? अनन्या ने जवाब दिया, अभी तो कुछ देर पहले मिले हैं, और तुम्हारी वॉच कल ले लेना, अभी मैं बाहर हूं। अखिल ने कहा, अच्छा कब फ्री होगी, मुझे मिलना है तुमसे। अनन्या ने बोला, ठीक है 1-2 घंटे में, और फोन कट कर दिया। हर्ष ने अनन्या की तरफ देखा और कहा, क्या चल रहा है अखिल और तेरा, ज्यादा ही अखिल अखिल हो रहा है, क्या बात है। अनन्या ने कॉफी का कप अपने हाथ से टेबल पर रख दिया और जवाब दिया, क्या ज्यादा दिमाग मत चला तू अपना, फ्रेंड है बस, तेरी ही तो बर्थडे पार्टी में मिला था, उस दिन ये नहीं मिलता तो कोई और मिलता, सिंपल। हर्ष ने बोला, तो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है? मुझसे क्या छुपाना भाई, आई एम योर फ्रेंड, मुझे तो बता दे। अनन्या ने कहा, ओ हो, फ्रेंड कह रहा है खुद को और तुझे ये पता नहीं है कि मैं सेटल होने वाली लड़की नहीं हूं यार, मुझे ये रिलेशनशिप्स वगैरह नहीं समझ में आते हैं, और वैसे भी अखिल तो बस फ्रेंड ही है, सच में फ्रेंड ही है, एडवाइसेस बहुत सही देता है, मतलब तू भी किसी प्रॉब्लम में होगा ना उससे बात करेगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, हेल्पफुल है, फनी है, पर प्लीज मेरे लिए बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है, ये प्यार व्यार की बातें मेरे बस की नहीं है, मैं बटर चिकन से बोर हो जाने वाली इंसान हूं, तुझे लगता है मैं रिलेशनशिप संभाल सकती हूँ? कभी नहीं। अभी अगर तू प्रपोज कर देगा ना मुझे तो मैं तुझसे भी दूर भागने लगूं। हर्ष उसकी बातें सुनके हंसने लगा और बोला, ना ना मैं अपनी रिलेशनशिप में खुश हूं, तुझे प्रपोज करके मरना नहीं है मुझे। अनन्या भी हंसने लगी और उसने कहा, नहीं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताया, रोज मिलने से प्यार नहीं हो जाता और हर कोई साथ घूमने वाला कपल नहीं होता। अखिल अभी भी गीतिका की बातों को प्रोसेस कर रहा था। ये क्या बोल रही है गीतिका, कि उसमें और अनन्या में किसी एक को चूज करने के लिए, अचानक इसको क्या हो गया? अखिल ने गीतिका से कहा, गीतिका तुम ठीक तो हो ना, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आई नो अनन्या तुम्हें पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारी वजह से उससे ना मिलूं, और गीतिका हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये बचकानी हरकतें बंद करो, क्या हो गया तुम्हें? गीतिका ने बोला, नहीं अखिल तुम जवाब दो, या तो मैं या अनन्या, मैं तुमसे कुछ नहीं रख सकती अगर तुम अनन्या के साथ होना चाहते हो तो। अखिल ने कहा, फिर वही बात, सान्या भी तो अनन्या की फ्रेंड है ना, और कभी कभी दोनों मिलते भी हैं, तो तुम सान्या से भी कहोगी कि अनन्या से दोस्ती तोड़ ले, साइको हो क्या? गीतिका जमीन को देख रही थी और एकदम से उसने अखिल की तरफ चेहरा किया और बोला, सान्या और तुम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नहीं बताओ मुझे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आई लव यू, आई लव यू अखिल, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अनन्या के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो और मुझसे आजकल मिलते भी नहीं, मैं पागल हो रखी हूं इतने दिनों से, ऑफिस में भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं, तुम्हें टेक्स्ट करती हूं तुम्हारा रिप्लाई नहीं आता, ठीक है, और फिर कुछ देर बाद तुम्हारी स्टोरी देखती हूं अनन्या के साथ चिल कर रहे हो, तुम्हें मिलने के लिए बुलाओ तो मना कर देते हो, और कभी मिलने के लिए आओ तो अनन्या को साथ ले आते हो। लास्ट टाइम कब मिले थे हम, याद है? नहीं याद आ रहा ना, मैं कब से बोलना चाह रही थी पर नहीं हो रही थी हिम्मत, पर अब मैं ऐसे और नहीं रह सकती, आई वॉन्ट टू एंड दिस फीलिंग, प्लीज अखिल जवाब दो, मैं या अनन्या? मैं नहीं देख सकती तुम्हें अनन्या के साथ, बिकॉज आई एम स्केर्ड कि तुम,
उसके प्यार में ना पड़ जाओ। अखिल की आंखें बड़ी हो चुकी थी गीतिका की बातें सुनकर। शी लव्स मी, उसे झटका लगा यह जानकर। उसने गीतिका को जवाब देते हुए कहा, और गीतिका अगर मैं ये कहूं कि मैं अनन्या से प्यार करने लग गया हूं तो, उसके प्यार में ऑलरेडी पड़ गया हूं तो, पर मैं तुम्हारे जैसी दोस्त भी नहीं खोना चाहता। मैं नहीं कर सकता तुम दोनों में चूज किसी को। गीतिका ने आंखों में आंसू भर के और होठों से मुस्कुराते हुए कहा, पर अखिल तुमने जवाब दे दिया मुझे, अब खड़े क्या हो? गो गेट योर गर्ल, मेरी तरह देर मत करो। और वो बाइक एकड़ चली गई। अखिल ने गीतिका को आवाज लगाई पर वो नहीं रुकी। पर अखिल के दिमाग में अभी तक गीतिका की वो सारी बातें घूम रही थी। उसने अनन्या को कॉल लगाया। हेलो अनन्या, कहां पर हो, अभी मिल सकती हो? अनन्या ने जवाब दिया, अभी तो कुछ देर पहले ही मिले हैं, और तुम्हारी वॉच कल ले लेना, अभी मैं बाहर हूं। अखिल ने कहा, अच्छा कब तक फ्री होगी, मुझे मिलना है तुमसे। अनन्या ने बोला, ठीक है एक दो घंटे में। गीतिका घर गई और जाते ही सान्या के गले लग गई। उसने अनन्या को चुना, गीतिका ने बोला। सान्या ने कहा, अच्छा है ना, अब तू बाहर आ सकेगी, इससे पुरानी वाली गीतिका फिर से बन सकेगी। गीतिका ने कहा, तूने सही कहा था, एंड में हर्ट ही होता है। सान्या ने बोला, गीतिका शांत हो जा, नहीं तो तू कहे तो मैं अखिल को सुनाती हूं, हिम्मत कैसे हुई इसे मेरी दोस्त को रुलाने की? गीतिका ने कहा, नहीं तू कुछ नहीं करेगी, बस हो गया, जो होना था मेरे साथ हो गया। दो घंटे के बाद अखिल अनन्या से मिलने गया। अनन्या ने कहा, क्या बात है अखिल, कुछ इंपॉर्टेंट था, कल मिल लेते। अखिल ने बोला, हाँ इंपॉर्टेंट था, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। हाँ बताओ, पर उससे पहले ये लो अपनी वॉच ले लो, नहीं तो फिर मैं इधर उधर रख दूंगी और फिर भूल जाऊंगी कहाँ रखा था, तो इसे तुम ही रख लो, है ना? हाँ अब बताओ क्या कहना था। अखिल ने बोलना शुरू किया, लुक अनन्या, अभी हम इतने दिनों से साथ हैं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, मुझे अच्छा लगता है कैसे तुम अपनी छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर करती हो। अखिल को सुनकर अनन्या के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो सोचने लगी, ये अपनी बातें कहाँ लेकर जाने वाला है, ऐसे तो लोग प्रपोज करने से पहले बोलते हैं। प्लीज 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 अखिल, रोक ले खुद को, मत बोलिए जो बोलने जा रहा है, कैसे रिएक्ट करूं मैं, प्लीज अखिल मत बिगाड़, सब सही चल रहा है, मुझे घिन हो जाएगी तुझसे, प्लीज ऐसी बातें मत कर। एक सेकेंड, इसने प्यार वर्ड यूज कर लिया क्या? नहीं नहीं, प्यारा बोल रहा है, मैं तुझे दोस्त मानती हूं, प्लीज क्यों दूर होना चाह रहा है तू? अखिल अपने तरीके से इजहार किए जा रहा था, उसकी आधी बातें तो अनन्या ने सुनी भी नहीं, वो अपने मन में ही खुद से लड़ रही थी। और फिर अखिल ने जो बोला वो अनन्या को साफ साफ सुनाई दिया, आई लव यू अनन्या, आई लव यू। अनन्या शांत, अखिल शांत, माहौल शांत। अब जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव ऑन दिस स्टोरी। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पर टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।